प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। कल हमने देखा कि राजस्थान के जो उत्तरी भाग थे, हरियाणा के कई इलाके और दिल्ली NCR के साथ साथ फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, नारनौल, झज्जर, ये जो इलाके थे, इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। और राजस्थान के कुछ इलाकों में और हरियाणा के कुछ इलाकों में हमने देखा कि बौछारें भी गिरी थी। ये कल शाम का और रात का पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि ये 7-8 बजे के आसपास के बादल हैं जो इस तरह से आगे जा रहे थे। और पंजाब के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली, लेकिन बहुत हल्की बूंदाबांदी थी और कुछ देर के लिए तेज हवाएं भी चली थी। और ये जो वेदर एक्टिविटी थी, एक तरह से कह सकते हैं कि लोकलाइज वेदर एक्टिविटी कह सकते हैं, और ये पासिंग रेन थी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो जम्मू कश्मीर और उसके आसपास जो बर्फबारी दे रहा है कुछ इलाकों में, उसका प्रभाव था कि उसके प्रभाव से कभी कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है राजस्थान के ऊपर और सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर, और वो जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वो, और कभी एक हल्की बल्की ट्रप बन जाती है, तो उसके कारण ये बादल बनते हैं, लोकलाइज वेदर एक्टिविटी है। और बहुत थोड़ी देर के लिए ये बारिश की गतिविधियां और ये तेज हवाएं जो चलती है, क्योंकि गरजने वाले बादल जब बनते हैं, ये जो प्री मानसून में आप देखते हैं कि जब गरजने वाले बादल बनते हैं तो बहुत ज्यादा तेज आंधी आती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, धूल उड़ती है। और उसी तरह का ये एपिसोड होता है कि प्री मानसून से पहले कभी कभी जब गरजने वाले बादल बनते हैं तो उसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं या CV क्लाउड, यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म में उसका CV क्लाउड नाम है। वैसे क्यूमुलोनिम्बस उसका जो नेम है वो, मतलब जो मेट्रोलॉजिकल नेम वो है। और इसको गरजने वाले बादल एक नॉर्मल उसमें कहते हैं, नॉर्मल भाषा में। ये क्या होता है कि जब अनस्टेबिलिटी होती है एटमॉस्फेयर में तो हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो बादल बनते हैं, क्योंकि जब जब ऊपर उठती हैं हवाएं तो उसमें टेम्परेचर कम होता है और जो उसमें मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होकर यानी कि बाष्प बन जाता है, बादल बनते हैं। और जब अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है तो काफ़ी ऊंचाई तक ये गरजने वाले बादल बन जाते हैं। तो इस सीजन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं है, कल जो टेम्परेचर था वो दिल्ली NCR में हमने देखा 28.4 था, जो इस सीजन का सबसे ज़्यादा था, सामान्य से 4 डिग्री ऊपर था। तो जब इस तरह के बादल, जब टेम्परेचर के साथ साथ ऊपर बादल उठते हैं तो गरजने वाले बादल बन जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है कि 0 डिग्री जब तापमान आता है उससे भी ऊपर जब पहुंच जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हवाएं चलती हैं, यानी कि एक सर्कुलेशन बनता है, लगभग 40 फीट प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर की तरफ ड्राफ्ट होता है, यानी कि अप ड्राफ्ट बोलते हैं, और डाउन ड्राफ्ट 100 फीट प्रति घंटा की रफ्तार से होता है। तो जब क्या होता है, ये डिसिपेट होता है, तो ये हवाएं जब नीचे की तरफ जो छोड़ता है उससे ये तेज हवाएं चलती हैं। और गर्मियों में क्या होता है कि इतनी तेज हवा चलती है कि धूल उड़ती है और उससे आंधी आती है, लेकिन इस सीजन में आंधी की संभावना नहीं होती, तो थोड़ी सी हवा तेज हो जाती है। तो अब चलते हैं बाकी फोरकास्ट की तरफ। तो पश्चिम विक्षोभ के बाद एक, जैसे पहले भी मैंने बताया था, आ रहे हैं। और अब क्या है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हल्का स्नोफॉल शुरू हुआ है, लेकिन बाकी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। और ये जो वेदर एक्टिविटी थी जो आपने कल देखी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR, इन सारे इलाकों में बहुत हल्की जो वेदर एक्टिविटी थी, अब वो हटने लगी है, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा और इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 तारीख के आसपास जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगा। तो अब क्या है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये जितना भी उत्तर पश्चिम भारत है, इसमें मौसम साफ हो जाएगा और तापमान अब बढ़ रहे हैं, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं, सामान्य से ऊपर हैं। लेकिन आज और कल क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेजी से चलेंगी, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट विंड है वो तेज हो जाएंगी, जिससे कि जो गर्मी है वो तो रहेगी, टेम्परेचर तो रहेगा, जैसे दिल्ली में 28.4 था, आज हो सकता है 27 हो जाए, 26 हो जाए, तो 26-27 के रेंज में रहेगा, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहेगा पूरे पंजाब, हरियाणा इस इलाके में। लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं, यानी कि लगातार जो तेज हवाएं चलेंगी, उससे गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम हो जाएगा अगले 2 दिनों के दौरान, उसके बाद फिर से तापमान बढ़ेंगे। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अब सामान्य के आसपास बने हुए हैं, दिल्ली NCR में 1 डिग्री नीचे था, बाकी इलाके में 1-8 डिग्री ऊपर नीचे बने हुए हैं। तो अब क्या होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे और दिल्ली NCR में अगले 2-3 दिनों के दौरान 11-12 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि सुबह और शाम की जो सर्दी है वो अब धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आप जो हैवी वूलन्स हैं, जैसे रजाई है और बाकी क्विल्ट वगैरह है, उसको आप रख सकते हैं, लेकिन कंबल वगैरह की जरूरत अभी भी रात को पड़ेगी और लाइट वूलन्स की जरूरत अभी पड़ती रहेगी। और बाकी इलाकों की तरफ देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ये पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ
और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ का इसका इम्पैक्ट नहीं था। नागपुर में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई थी। तो अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये लगभग शुष्क रहेंगे, लेकिन गंगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों में ये 20 तारीख से वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। और ये जो हम कह सकते हैं कि 24 परगना, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, कलकत्ता, हावड़ा, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, थंडर शावर भी हो सकता है। उसी तरह से जो पारादीप हो गया, पुरी, भुवनेश्वर, कटक वगैरह, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की अस्पताल देखने को मिल सकती है। बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। अब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की अस्पताल थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हल्का स्नोफॉल भी हो जाए। पूर्वी असम और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे लेकिन बादल छा सकते हैं। यह हुआ पूरा नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि राजस्थान हो गया और गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें क्या रहेगा। तो राजस्थान और गुजरात अब शुष्क हो जाएंगे और धीरे धीरे तापमान बढ़ रहे हैं। सर्दी लगभग इस इलाके से, गुजरात से गायब हो चुकी है और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी मध्य प्रदेश है, इस इलाके से भी अब वेदर एक्टिविटी हट जाएगी और मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। महाराष्ट्र में भी अब जो विदर्भ वगैरह में बारिश हो रही थी वो लगभग समाप्त हो जाएगी, लेकिन बादल कुछ इलाकों में छा सकते हैं। अभी भी मेघ गर्जना कहीं कहीं हो सकती है। एक एंटीसाइक्लोन अभी भी उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है, जिसके कारण ये हवाएं जो आ रही हैं वो अभी भी नमी वाली आ रही हैं। तो तेलंगाना के कुछ इलाकों में हो सकता है कि मेघ गर्जना वगैरह या हल्की फुल्की बारिश हो जाए। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु के दक्षिणी जिले और केरल, इन इलाकों में अब धीरे धीरे जो वेदर एक्टिविटी थी वो साफ हो जाएगी, यानी मौसम साफ होने लग जाएगा पूरे इलाके में। दक्षिण तमिलनाडु और केरल और लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश होगी, यानी कि जो बारिश हो रही थी वो और ज्यादा कम हो जाएंगी और हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा भारत अब शुष्क हो जाएगा। केवल ये जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ पहाड़ों पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल रहेगा और हल्की बारिश रहेगी। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन रहा है, इसके आसपास हो सकता है कि एक लो प्रेशर एरिया बन जाए, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। आज अंडमान और निकोबार में अच्छी बारिश रहेगी, कल से इस इलाके में भी ये वेदर एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, यानी कि आज के बाद जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसमें भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी और यहां पर भी मौसम अब गर्म होने लग जाएगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।